जैसे कि अभी हम लोग मतलब आप लोग 15 या 16 17 यही आसपास एज के होंगे, तो ऐसा होता है बचपन में हम लोग कोई चीज देख लिए, जैसे कि कोई खिलौना देख लिए, तो खिलौना देखने के साथ ये बात याद आ जाता है कि हाँ मुझे इसने उस चाचा ने दिया था, साथ में 10 रुपये दिए थे, उस समय 58-54 सब चलता था, ये सब बात याद आ जाती है। तो ठीक वैसे ही जब आप पढ़ते हैं तो ये जो ये सब लिखा हुआ हूं मैं, मेन मेन पॉइंट ये सब लिखना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है आप देखते हैं और उसके साथ ही याद आ जाता है कि इसमें ये पढ़ना है, ये करना है। जब तक आपको सिलेबस पढ़ना, सिलेबस याद नहीं रहेगा क्या पढ़ना है, आप कैसे जाने, वैसे ही ठीक जब तक आपको ये मेन हेडिंग याद नहीं रहेगा, चैप्टर में क्या है कुछ याद नहीं रहेगा। अगर मात्र इसी से लिखने से आपको क्वेश्चन बनाने में भी पूरा आसान हो जाएगा, किताब को बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। इसी से जैसे कि समाज में परिवर्तन के समर्थक थे, इसको देखने से याद आ जाएगा कि उस समय यूरोप में, मैं आगे बताऊंगा कि उदारवादी थे जो समाज के परिवर्तन के समर्थक थे, वे ये करते थे, वे मताधिकार के पक्ष में थे, वे राष्ट्र ऐसा चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर समानता मिले, तुरंत याद आ जाएगा। ठीक वैसे ही आप लोग जब पढ़ते हैं खुद से भी तो एक कॉपी ले ले और उसमें ऐसे ऐसे लिखते जाए मेन मेन पॉइंट को। तो पिछले क्लास में हमने फ्रांसीसी क्रांति देखी, कैसे वहां लोगों ने राजतंत्र के विरोध आंदोलन किया और वहां प्रजातंत्र स्थापित किया। आज हम अगला चैप्टर देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजवाद का उदय, यूरोप में समाजवाद। तो उस समय जो यूरोप का समाज था, कुछ जो लोग थे विभिन्न विभिन्न पक्ष में थे, कुछ लोग चाहते थे कि जो समाज है उसका परिवर्तन होना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए, जबकि कुछ लोग चाहते थे परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग चाहते थे परिवर्तन हो लेकिन थोड़ा बहुत हो, ज्यादा ना हो, जिससे मतलब जो सत्ता पक्ष में थे उन लोगों को फायदा हो। तो उस समय जो समाज था, हम लोग देखेंगे कि समाज उस समय उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल तीन पक्ष में थे, मतलब लोगों की विचारधारा तीन पक्ष में थी। जो रूढ़िवादी लोग थे वे उदारवादी और रेडिकल के विरोध में थे, मतलब जो ये रूढ़िवादी, रूढ़ी मतलब कि प्राचीन परंपरा को मानते वाले, और वादी मतलब विचारधारा रखने वाले, मतलब जो पुराने विचारधारा के थे जैसे कुलीन हो गया, राजशाही परिवार हो गया, तो वे लोग इन दोनों के विरोध में थे, क्योंकि उनको बदलाव लाने से सत्ता तो छिन जाएगा तो विरोध करेंगे ही ना। अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम होगा तो आप गुस्सा करेंगे, उसका विरोध करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो ये लोग भी वही कहते थे और चाहते थे बदलाव धीमा हो ताकि वे लोग सत्ता में ही रहे, और हो सकता है कि धीमा बदलाव के कारण ज्यादा बदलाव ना हो तो वे लोग जो प्रजातंत्र है उसको उखाड़ कर फिर से राजतंत्र लगा ले। तो यही सब राजनीति थी। जब शुरू शुरू था, जब 18वीं सदी था, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तो वे लोग बदलाव के विरोध में थे, क्योंकि उसी समय चिंगारी उठी थी तो आग को बुझाने में आसानी होती, तो उस समय वे बदलाव के विरोध में थे। परंतु उसने जब देखा कि चिंगारी अब पूरा जंगल में फैल गई, आग लग गया है चिंगारी से, तो 19वीं शताब्दी में वे लोग बदलाव के समर्थक होने लगे ताकि जनता उनका कम विरोध करे, और वे चाहते थे कि धीमा बदलाव हो, और वे जो आम जनता थे उनको चाहते थे कि जो अतीत है उसका उसको स्वीकार किया जाए, क्योंकि वे लोग राज परिवार के थे, कुलीन वर्ग थे, आराम ऐशो की जिंदगी जीते थे, कमाना उन लोगों को था नहीं, तो वे चाहते थे कि ये जो अतीत था उनका बना रहे। पर जो आम जनता थे वे ऐसा नहीं चाहती थी, क्यों चाहेंगे भाई, मतलब इन पर इतना जाति हो, और इन पर मतलब जाति मतलब कि बुरा व्यवहार हो, शोषण हो, और वे लोग चाहेंगे कि अतीत बना रहे, वैसा ही अतीत फिर से दोहरा, इतिहास फिर से दोहरा, नहीं चाहेंगे ना। तो इससे दो प्रकार के समाज का उदय हुआ, पहला हुआ उदारवादी और दूसरा है रेडिकल। ये दोनों लगभग एक ही थे, मतलब कि कुछ लोगों का अलग मानना था, कुछ लोगों का अलग मानना था, लेकिन दोनों चाहते थे कि जो राजतंत्र है वो हट जाए और समाज में परिवर्तन आए। जो उदारवादी विचारधारक लोग थे उनका मानना था कि समाज परिवर्तन हो, समाज में बदलाव आए, और वे ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म बराबर हो, सभी को सम्मान मतलब हक मिले, सभी को समान की दृष्टि से देखा जाए, और वे वंश आधारित सत्ता जो कि राजा राजतंत्र था उसको बिल्कुल हटाना चाहते थे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद है वे लोग सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में थे, मतलब अब राज सत्ता तो हटेगा तो प्रजातंत्र आएगा तो चुनाव तो होगा ही ना, तो वो चाहते थे कि सबको चुनाव मिले, जिसे मतलब मताधिकार का सबको हक मिले, जैसे अभी भारत में है। वे चाहते थे कि जो सुप्रशिक्षित लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं वे लोग चुनाव में खड़े हो, न्यायपालिका और सही कानून बने और उसका देश पे शासन हो। उसके बाद वे व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना चाहते थे, जैसे कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हो, उसको काम मिले, रोजगार मिले, मताधिकार मिले, मतलब व्यक्ति के जो भी अधिकार थे, आम अधिकार जैसे हम लोग का मौलिक अधिकार, वे उस सब की रक्षा चाहते थे, और उस सब की रक्षा कौन करे, वहां का जो नियम कानून है वो करे, राजा करे अगर राजा है तो।
उसके बाद और एक समाज था रेडिकल, इसका विचारधारा भी लगभग कुछ इसी के जैसा था, उदारवादी के जैसा ही, परंतु वो कुछ अलग सोचता था। जैसे कि यह चाहता था कि सुप्रशिक्षित न्यायपालिका कानून का शासन हो, जबकि ये चाहते थे कि न्याय होगा और जिसको बहुमत मिलेगा उसी का सरकार होगा, चाहे वो राजा का है ना हो, राजा को बहुत मिले तो उसी का सरकार हो गया। तो ये इससे कुछ अलग था। और ये महिला मताधिकार का समर्थक था, मतलब महिलाओं के हक के लिए भी लड़ता था, और विशेषाधिकार के विरोध था, मतलब जन्म से जो पंडित है वो पंडित रहेगा, जो राजा है वो राजा रहेगा, इसके अधिकार, मतलब वो चाहते थे कि जो व्यक्ति की योग्यता है, कुशलता है, उसके आधार पर उसको जो भी काम वाम मिले, जन्म से किसी को अधिकार प्राप्त ना हो। और निजी संपत्ति, मतलब जो उस समय कुलीन वर्ग थे या सामंत लोग थे, उनके पास ढेर जमीन था, तो इन लोगों को समर्थक करते, मतलब इन लोगों का साथ देते थे, परंतु वे चाहते थे कि संपत्ति का संकेंद्रण ना हो, मतलब एक ही सामंत है और उसके पास ढेर सारा जमीन है, हालांकि जो मजदूर है उसमें काम कर रहे हैं लेकिन उसी के पास है, अब वो जो चाहे वो करे। तो ये नहीं चाहते थे कि किसी एक के पास ही सारा हो, वो चाहते थे कि जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा हो जाए। और संपत्ति का अधिकार के विरोध में भी थे कि संपत्ति का जो अधिकार है वो सबको बराबर मिलना चाहिए, किसी एक का मिला हो। और इसके बाद इतना के बाद जब आगे बढ़ने लगा तो और एक समाज का उदय हुआ जिसे हम समाजवादी समाजवाद कहते हैं, मतलब जो सामाजिक विचारधारा के लोग थे, मतलब जो समाज में रहना चाहते थे, आम जनता जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये चाहते थे, ये निजी संपत्ति के विरोध में थे, मतलब जो संपत्ति है जैसे कि मेरे पास बड़ा सा बगान है तो वो उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा, ये ऐसा नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि समूहों का उस पर अधिकार हो, 10-12 लोग हो, 13 लोग हो, 14 लोग हो, पूरा एक गांव हो जिस पर उसका अधिकार हो, किसी एक का अधिकार ना हो। संपत्ति का समाज पर अधिकार हो और सामूहिक उद्योग चाहते थे। उस समय पूंजीवादी होता था, जैसे कि हम किसी बिजनेस में पैसा लगाए तो वो बिजनेस मेरा होगा, उसका जितना भी मुनाफा होगा वो मेरा होगा, परंतु जो समाजवाद था वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि 10-20 लोग इकट्ठा होकर किसी उद्योग को बनाए, उसको चलाए, जैसे कि आजकल किया जाता है। आजकल आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि उद्योग, जैसे कि टाटा फेमस है, अभी झारखंड जमशेदपुर आसपास ही है तो टाटा फेमस है, टाटा स्टील कंपनी, तो आप लोग सोचते हैं कि वो जमशेद जी टाटा का है, ऐसा नहीं है। उसका शेयर होता है, शेयर मजदूरों में भी बांटा जाता है और आम पब्लिक भी शेयर खरीदते हैं, शेयर आप लोग सुने होंगे अक्सर, शेयर बिकते हैं। तो शेयर के नाम पर जो उद्योग का स्वामित्व है वो सब में बटा हुआ है, कोई उसका मालिक नहीं है, हालांकि ओनर वही है, सीईओ, इसी से जन्मा है सीईओ, बस वो उस समय उसका मालिक है, परंतु उस पर सबका बराबर अधिकार है। और वे चाहते थे कि जैसे सामंत के पास ढेर सारा जमीन है तो वही उसमें खेती करें, वो नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि खेती को भी सामूहिक बना दिया जाए, सब मिलजुल कर खेती करें, और एक कोऑपरेटिव समाज, मतलब सब मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर उद्योग बनाए, मिलजुल कर खेती करें। और एक कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने, जो पूंजीवादी थी, जो पूंजीवादी लोग थे, उद्योगपति लोग थे, एकल स्वामित्व वाले थे, उनको बोला कि ये सब गलत है, किसी एक पर इसका अधिकार नहीं रहना चाहिए, वो मजदूरों और जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको तो रोजगार दे रहा है, रोजगार तो दे रहा है पर अपने फायदे के लिए दे रहा है ना, इससे समाज का क्या फायदा हुआ है, जबकि उस समय जो काम करने का समय था वो बहुत ज्यादा था और मजदूरी दर बहुत कम था। तो ये जो कार्ल मार्क्स था इसके विरोध में बुक सब लिखा, मतलब समाज को जो था उसके विरोध बताया, मतलब प्रोत्साहन दिया, इंस्पिरेशन दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जो है इसी के द्वारा समाजवाद का उदय हुआ, मतलब संपत्ति का सब पर बराबर अधिकार, उद्योग भी, मतलब ढेर सारा लोग मिलकर उद्योग का स्वामित्व ले, खेती भी वैसे ही सब मिलजुल कर करें, किसी एक पर संपत्ति का अधिकार नहीं हुआ। भारत में भी ऐसे हुआ, पहले जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार दिया गया था, परंतु बाद में इसे हटाकर संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, अब संपत्ति का अधिकार केवल 6 ही है। अभी हमने देखा 1.1 बुक में आप लोग जाइएगा तो मिलेगा 1.1 उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 1.2 औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो उस समय समाज में वैसे भी परिवर्तन हो रहा था और साथ ही साथ उद्योग का भी विस्तार हो रहा था। तो जो शहर थे वे बस रहे थे, पहले गांव में थे लोग, ऐसे ही जैसे अभी इंडिया में है, खपरा के घर में रहते हैं, पुआल के घर में रहते हैं, अल्बेस्टर के घर में रहते हैं। अब शहर में जाएगा तो देखिएगा पूरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, ये ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग पूरा एकदम 20 तल्ला 25 तल्ला तक। तो शहर बस रहे थे उस समय, फिर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा था, गांव में तो कुछ दिखता ही नहीं है। जब शहर आइएगा देखिएगा सब तरफ धुआं है धुआं, यहाँ उद्योग यहाँ उद्योग, जो नदी का पानी है वो साफ नहीं दिखता है, पूरा नली जैसे दिखता है, पूरा काला। तो उद्योग का भी विकास हो रहा था और रेलवे का काफी विस्तार हो गया था। उस समय उद्योग बन रहा था तो माल परिवहन के लिए कुछ तो चाहिए, ज्यादा गाड़ी उस समय था नहीं, तो रेलवे का विस्तार हो रहा था, फैक्ट्रियों से रेलवे से सारा सामान ले जाते थे और बाजारों में बेचते थे।
इंडिया में भी अंग्रेज लोग रेल लाए थे, 1853 में आया था, पुणे और थाने के बीच में चला था, अगर आप लोग जीके पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा। उसके बाद औद्योगिक क्रांति पूरी तरह संपन्न हो चुका था, मतलब लगभग पूरे यूरोप में उद्योग फैल गए थे, गांव गांव शहर शहर, मतलब इससे सब जगह उद्योग भर गए थे। आज भी आप देखेंगे कि अगर शहर जाएगा तो देखिएगा कि हर 2 किलोमीटर में उद्योग है। आदमी औरत यहां तक कि बच्चा, जो बच्चा था वो भी कारखाने में काम करता था। आजकल इंडिया में तो कम हो गया है, सरकार नियम बना दिया है कि 15 साल से छोटे बच्चों को काम नहीं करवाना है, परंतु पहले बच्चों लोगों को ठूस ठूस के भेज दिया जाता था। अब गरीब हुए लोग क्या करें, पेट का पेट तो भरना ही है, जाते थे काम करने, जैसे हो गया वो चूड़िया वाला फैक्ट्री में जाते थे काम करने, तो सांस लेने में उनको तकलीफ होती थी, जो चूड़िया था उनसे सांस हृदय रोग हो जाता था, सांस रोग हो जाता था, वो लोग मर जाते थे। तो सरकार नियम कानून बनाया कि सबको पढ़ना है 15 साल तक, उसके बाद 18 साल के बाद ही सबको नौकरी मिलता है, सरकारी नौकरी 18 साल के बाद ही मिलता है। हालांकि सरकार का नियम है कि 15 साल से नीचे वाला कोई काम नहीं करेगा, और जहां काम करते हुए दिखा पुलिस धर लेगी तो बेस से पैसा खींचेगी, इसलिए बच्चों को काम नहीं करना है। काम का घंटा, जो काम का समय होता था वो बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि उस समय पूंजीवादी उद्योग बहुत ज्यादा थे। आजकल भी पूंजीवादी उद्योग ज्यादा है, परंतु बहुत सारे फैक्ट्रियों में नियम कानून बन गए हैं, मजदूर यूनियन बन गया है, इससे बहुत सारे बन गया है, तो आजकल काम का जो घंटा होता है वो सीमित होता है, और अगर ज्यादा भी काम करना है तो मजदूर बदल दिया जाता है, ये 7 घंटा काम करेगा, उसके बाद और दूसरा मजदूर आएगा वो 7 घंटा काम करेगा, तो इस प्रकार से मजदूर को भी 7 घंटा काम करना हो गया और फैक्ट्री ज्यादा लंबा समय तक ऑन भी रह गया तो ज्यादा उत्पादन हुआ। तो ऐसे ही काम का घंटा ज्यादा, मतलब ज्यादा समय तक काम करना होता था, मजदूरी भी कम था। उसके बाद जब मांग में कमी आ जाती थी तो बेरोजगारी बढ़ जाती थी। उस समय ऐसा मशीन नहीं था, आदमी लोग हाथ से कपड़ा सीता था। अब मान लीजिए कि ठंडा का दिन है तो स्वेटर बहुत मांग आएगा, तो काम में रखेगा कि नहीं रखेगा, स्वेटर बनाना है, मांग बढ़ रहा है स्वेटर का, तो आदमी काम में रखेगा ना, और गर्मी का दिन आ गया तो काम में रख के उसको क्या करेगा, गर्मी दिन में स्वेटर बेचेगा कि बरसात दिन में स्वेटर बेचेगा, जैसे कि बरसात दिन है तो उसमें छाता का जरूरत है, तो गर्मी दिन में अगर गर्मी है तो भी छाता लगेगा, लेकिन ठंडा के दिन में छाता का जरूरत क्या है, तो जब इसे जरूरत नहीं होता था तो लोग बेरोजगार हो जाते थे और बेरोजगार बढ़ जाते थे, अब खाएंगे क्या, पेट भूखे मरेंगे लोग। उसके बाद उद्योग उस समय पूरा व्यक्तिगत थे, मतलब जो पूंजी लगा उसका उद्योग, हम काम करवाएंगे, हम मुनाफा कमाएंगे। आजकल वैसा नहीं होता है, शेयर में सबको दे दिया जाता है। जो उदारवादी और रेडिकल थे वे लोग अमीर थे, मतलब वो लोग समृद्ध थे, उन लोगों के पास भी उद्योग था, जमीन था, वे लोग काम पर रखते थे लोगों को और मुनाफा कमाते थे। तो हुआ ऐसा कि इसके बाद इससे नाराज होकर समाजवाद का उदय हुआ, जैसे कि मैं अभी पिछले में बताया। तो समाजवाद का क्या कहना था, ये जो उदारवादी और रेडिकल है, हाँ मतलब आप चंट हैं, आपके पास सब संपत्ति है, आप काम करवाएंगे और हमारा शोषण करेंगे, तो इससे क्या हुआ, समाजवाद का उदय हुआ। चंट मतलब समझते हैं ना, क्लेवर या चालाक, मतलब समाजवाद इन दोनों को चंट बोलता था, हाँ मतलब तुम्हें तेज हो, हम कुछ नहीं है इसे, तो मतलब हालांकि ये जो उदारवादी और रेडिकल थे ये भी समाज में सुधार चाहते थे, ये भी चाहते थे। तो जैसे कि हो गया ये व्यक्तिगत प्रयास, मतलब जो आदमी प्रयास करेगा उसको काम मिलना चाहिए। उद्यमशीलता मतलब जो कुशल है, जो काम के योग्य है उसको काम मिलना ही चाहिए। सभी को स्वतंत्रता, गरीब को रोजगार और सबको तरक्की के अवसर, मतलब ये सब मिलना चाहिए। मतलब वे चाहते थे कि हाँ उसके पास तो संपत्ति है, तो इन सब से उन लोगों का संपत्ति नहीं छिन रहा है। ये लोग इसमें ये मेंशन नहीं किए कि संपत्ति जो है वो सबको मिलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, बहुत ही चंट है। मतलब व्यक्तिगत प्रयास, मतलब जो व्यक्ति कुशल है उसको रोजगार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए, जो गरीब है उनको रोजगार मिलना चाहिए, तरक्की का अवसर। ये नहीं बोल रहा है कि जो फैक्ट्री है उन लोगों को सामाजिक कर देना चाहिए, जो खेती है उन लोगों को सामाजिक कर देना चाहिए, क्योंकि उससे फायदा हो रहा है। आजकल भी उद्योग में होता है, हालांकि शेयर तो दे दिया गया है, परंतु फायदा उसी को होता है जो सीईओ है। तो वैसे ही इन लोगों से उनको कोई हानि नहीं था, तो वे लोग इसका प्रचार करते थे। तो इससे नाराज होकर समाजवाद का उदय हुआ, और कुछ लेखक थे, कुछ समाजवाद सुधारक थे, जैसे कार्ल मार्क्स, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि इनका विरोध करें और एक नया समाज बनाए। तो आगे हम देखेंगे समाजवाद का उदय कैसे हुआ, हम उसने क्या क्या परिवर्तन किए उद्योग और खेती के क्षेत्र में। जो उदारवादी और रूढ़िवादी लोग थे, हालांकि वे समाज के बदलाव के पक्ष में थे, वे चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिले, मतलब लोगों की योग्यता को मान्यता मिले, सबको रोजगार मिले, परंतु वे लोग इसके विरोध में थे कि जो सामाजिक उद्योग हो जाए या फिर सामूहिक खेती हो जाए, इसको नहीं मानते थे, क्योंकि इससे उनका नुकसान होने वाला था। तो इससे नया एक समाज का उदय हुआ जिसको हम समाजवाद कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे 1.3 यूरोप में समाजवाद का उदय, और 1.4 समाजवाद के लिए समर्थन। तो जो कार्ल मार्क्स थे, इसने देखा कि जो उदारवादी और रेडिकल्स लोग थे, वे लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं
थोड़ा सा बस उन्हें छूट दे रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं, काम ज्यादा करवा रहे हैं, मजदूरी कम दे रहे हैं, तो उनका क्या फायदा हुआ। तो इसने लोगों को बहलाया फुसलाया कि हाँ आप लोग एक समाजवाद समाजवाद समाज का निर्माण कीजिए, जिसमें कहा गया कि जो व्यक्तिगत उद्योग थे पूंजीवादी उद्योग थे उनको हटाकर सामाजिक उद्योग का निर्माण किया जाए, सामाजिक उद्योग की स्थापना की जाए जिसमें सबका समान अधिकार रहे। और जो ये जो समाजवाद थे ये संपत्ति के विरोध में थे, क्योंकि ये जानते थे कि जो उदारवादी और रेडिकल लोग थे ये लोग अमीर हैं और ये हमारा शोषण कर रहे हैं, अधिक देर तक काम करवा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, जबकि हम गरीब के गरीब हैं। जब मजदूरी दर कम है और ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो गरीब है उनको कुछ अपना फायदा दिखा नहीं, तो ये लोग खड़े हो गए। जैसे कोई बच्चा कैसे होता है, पप्पा उसके लिए नया नया ड्रेस ले दिए, मेरे लिए कुछ नहीं, रोने स्टार्ट, दे जोर से रो रहा है, दे जोर से रो रहा है और खिसा के एक रात का खाना नहीं खाया। वैसे ही यहाँ हुआ, ये लोग अलग हो गए। उसके बाद 1870 में समाजवाद जो था पूरे यूरोप में फैल गया। अब इनका मांग बढ़ने लगा कि जो भी पूंजीवादी उद्योग है उनको सामूहिक उद्योग बना दिया जाए, सामूहिक रूप से खेती कर दिया जाए, और ये सब कोई अकेले नहीं कर सकता है, तो ये चाहते थे कि सरकार ये है सबको आदेश दे कि उद्योग को सामूहिक कर दिया जाए या फिर खेती सब मिलजुल कर करें, क्योंकि एक अकेला से कुछ बदलाव आने वाला है नहीं समाज में। अगर सरकार आदेश दे तो, जैसे अभी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, तो ये लोग फैक्ट्री वाले लोग बढ़ा रहे हैं, सरकार में इसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो कम हो सकता है। सरकार आदेश दे दे कि इससे इतना ज्यादा से नहीं बेचना है तो कम हो सकता है, सरकार नहीं दाम बढ़ा रही, उद्योग वाले जो दाम बढ़ा रहे हैं मुनाफा कमाने के लिए। जो इंटरनेशनल और नेशनल संस्थाएं बनने लगी, जो मजदूर थे वे लोग देश में विदेश में एकजुट होने लगे, संस्था बनाने लगे, ताकि संस्था बनाने से क्या होता है, मांग स्ट्रांग होता है। अगर हम अकेले जाकर सरकार को बोलेंगे ए हमको ये दो, थोड़ी देगा, झुंड में जाके बोलो हमको दो, अनशन करो, तब जाके मिलेगा, अकेले से कुछ नहीं होता है। तो ये लोग समूह बनाने के लगे, संस्था बनाने लगे, देश में बनाने लगे, विदेश में बनाने लगे, दोनों देश विदेश मिलकर बनाने लगे। इसके बाद जो इंग्लैंड और जर्मनी में थे वहां मजदूर संघ बनने लगे, मतलब जो फैक्ट्री में काम करते थे उनका एक समूह बनने लगा। आज भी मजदूर संघ होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और उनका एक प्रेसिडेंट लीडर बना दिया जाता है। मजदूर खुद के लिए कोष बनाने लगे, जिससे कि मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसका हाथ टूट गया, अब जो फैक्ट्री का मालिक है वो उसको इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा, तो इससे उसको कुछ तो फायदा होगा नहीं, हाथ उसका टूट गया, अब तो फैक्ट्री में पेंशन तो दिया नहीं जाएगा, सरकारी नौकरी है जो पेंशन मिलेगा। तो मजदूर कोष बनाने लगे, कोष से हुआ, कोष मतलब बैंक जैसे ही समझ सकते हैं, परंतु जिसमें मजदूर मतलब महीना महीना पैसा जमा करेगा, जब किसी को जरूरत होगा तो उसको देगा, जिसे आज महिला संघ बनाए जाते हैं, महिला संगठन पीएम मोदी ने बनाया है। तो वे लोग ब्याज देते हैं, अगर खुद के सदस्य को देंगे तो ब्याज कम रहेगा, जैसे कि उसके बेटी की शादी करवाना है तो देंगे, कि उसके घर में कुछ सामान खरीदना है जैसे बाइक हो गई गाड़ी हो गया तो दे देंगे, और ब्याज दर कम रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से वे लोग भी कोष बना दिया, अब कोष बनाने से फायदा हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया तो इस कोष की सहायता से उसको राशि दे दिया गया, वो अपना इलाज कर लिया गया। इसके बाद जो मजदूर थे अब तो संघ बनाने लगे था, वे मांग करने लगे, क्या मांग करने लगे, हम ज्यादा घंटा काम नहीं करेंगे, हमारा शोषण हो रहा है, हम ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो वे लोग काम के घंटा को कम करने लगे और बोलने लगे कि मजदूरों को भी मताधिकार दे। ये रूढ़िवादी और उदारवादी ये लोग अमीर लोग थे, वे लोग उस समय केवल अमीरों को मताधिकार था, वे लोग तो मांग करने लगे कि जो मताधिकार है वो मजदूरों को भी मिलने लगे, गरीबों को भी मिलने लगे। उसके बाद पार्टी के साथ संबंध बनाने लगे, जो मजदूर संघ थे वे लोग अब ढेर सारे हो गए, मजदूर लोग अपना संघ बना लिया, तो इसमें जो नेता लोग था सरकार जो था उसको फायदा दिखने लगा, तो वे उस लोग को साइड में बुला के बोलता है ए हमसे जुट जाओ, हम तुमको ई दिला देंगे वो दिला देंगे, कुछ दिलाएगा नहीं पर उससे संबंध बना रहा है, ताकि जब जरूरत पड़े तो मजदूर इकट्ठा होके उसको बोल सके कि हाँ हम आपको वोट देकर जिताए हैं, आप मेरा मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। नेता को इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या है, बस उसको वोट से मतलब है, तो वो लोग उससे प्रेम से संबंध बना के बस रखता है, जरूरत समय बस यूज करता है, और जब मजदूरों को जरूरत होगा तो दिखाएगा ठेप्पो, कुछ नहीं करता है। तो 1914 तक समाजवाद था पूरे यूरोप में फैल गया, इसने अपना खुद का पार्टी, जब सरकार का जो पार्टी था वो इसका मांग को अनदेखा करने लगा, तो ये लोग खुद अपना पार्टी बनाने लगे एवं चुनाव लड़ने लगे।
तो चुनाव लड़ते लड़ते 1914 हो गया, परंतु अब तक जो मजदूर संघ था उसका कोई सरकार नहीं बना, मतलब समाजवाद जो था इसका कोई सरकार नहीं बन पाया। हाँ, वो लोग वैसे भी ये लोग गरीब थे और जो अमीर लोग होता है वही लोग जीतता। आजकल गांव में जब पंचायत के लिए चुनाव होता है सरपंच के लिए, तो जो थोड़ा अमीर है वो लोग ढेर सारा खसी काटेगा, ढेर सारा हड़िया दारू ले आएगा और सब पियकर लोग उसी को वोट देगा। ये नहीं देखेगा कि अगर कोई दूसरा जीतेगा वो उसके लिए अच्छा काम करेगा, मतलब जो उसको दे रहा है उसी को। तो ये लोग कहां से जीतेंगे? जो अमीर लोग थे वे लोग जनता को कुछ दे देते थे या फिर वादा कर देते थे। तो आदमी वैसे ही देखता है, जो अमीर है उस पर ज्यादा विश्वास करेगा और गरीब है उस पर कम विश्वास करेगा। गरीब को नीचा दृष्टि से देखता है। लेकिन आप लोग जब जाइएगा ना 5-स्टार होटल में तो आपको फ्री में खाना नहीं देगा, वहीं कोई ठेला में जाइएगा ना तो आप लोग को अगर पैसा नहीं है तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा, दे देगा, बोल देगा बाद में दे देना। गरीब लोग ज्यादा ही दयावान होते हैं अमीरों के रेस्पेक्ट में, इसलिए अमीर को इज्जत नहीं, गरीब को ज्यादा इज्जत देना चाहिए। तो जो राजनीतिक चुनाव था उस समय, लोग तो आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन जब चुनाव में कोई मजदूर उठता था तो उसको वोट देते थे, वोट देते थे। जो मजदूर है वे भी और जो उनके परिवार वाले जो गरीब लोग हैं वे लोग भी। तो चुनाव में जो इनके प्रतिनिधि खड़े होते थे समाजवाद समूह से, समाज से, तो इनको वोट मिलता था और वे जीतते चले जाते थे। लेकिन सरकार किसकी बनती थी? अमीर की बनती थी। कुछ पदों में ये लोग जीतते जाते थे पर सरकार हमेशा अमीर की बनती है। और आज भी यूरोप, मतलब उस समय यूरोप में भी वही हुआ। जो सरकार थी उसमें रूढ़िवादी जो कुलीन वर्ग थे, जो पुराने विचारधारक थे ये लोग, उदारवादी लोग जो अमीर थे, रेडिकल लोग जो भी अमीर थे, और बस थोड़ा सा जो गरीब समाज के थे वो लोग को छूट दे दिए थे, जैसे कि समानता, सब धर्म को बराबर का अधिकार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, ये सब। तो इनका ही दबदबा बना रहा। आज इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रूसी क्रांति, रूसी क्रांति कैसे प्रारंभ हुई, किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुई और समाज के किन तबकों ने इसको चिंगारी दी, आग लगाई एवं वहां भी गणतंत्र का स्थापना किया। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।